हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फैंटेसी विनर। आज जो हम लोग बात करेंगे एशिया कप मैच नंबर 10 जो कि खेला जाने वाला है इंडिया ओमैन वर्सेस नेपाल ओमैन के बीच में, देख लेंगे क्या होने वाला है आज का मैच प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आज का टीम कॉम्बिनेशन, साथ में देखेंगे क्या होने वाला है आज का अपना स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन। उससे पहले देख लेंगे कि ये जो मैच है कब, कहाँ, कितने बजे, कौन से टाइम पर खेला जाने वाला है। उसके बाद देखेंगे कि मैच का प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, कौन सा टीम जीतेगा, कौन सा टीम हारेगा, कौन सा प्लेयर ट्रम्प बनेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप बनेगा, वो सारा चीज़ डीपली एनालिसिस करके बताएंगे। फिलहाल के लिए देख लेते हैं हम लोग किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। मैच प्रेडिक्शन, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड लास्ट में देखेंगे फ्री गिव अवे, यानी कि फ्री गिव अवे में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में ये जो मैच होगा वुमेन एशिया कप जो कि मैच नंबर 10 23 जुलाई को शाम को 7 बजे ये मैच खेला जाने वाला है, तो टॉस 6:30 बजे, लाइनअप 6:35 में, फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन 6:40 से लेकर 45 के अंदर आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है जहां पर आपको फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अभी देख लेंगे कि कुछ ऐसा खिलाड़ी जो कि इस मैच में आपका ट्रम्प कार्ड के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है, फ्लॉप बनता हुआ भी देखने को मिल सकता है, उसका पीछे का रीजन क्या है वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे। सीताराना मगर दिख जाएगा, एक देखने को मिल जाएगा कविता कनवर, और एक देखने को मिल जाएगा रूबीना छेत्री। ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जो कि ट्रम्प कार्ड एंड फ्लॉप बनता हुआ भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से स्थिति मंदन, हरमनप्रीत कौर एंड दीप्ति शर्मा, इन तीनों में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि आज का मैच में आपको एज ट्रम्प कार्ड के हिसाब से देखने को मिल सकता है। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देख लेंगे कि जब भी इस ग्राउंड पर मैच हुआ है तो ड्रीम टीम हमेशा कैसा देखने को मिला है, थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन से कहाँ से आया, बैटिंग से। दूसरा टीम में क्या गौर करेंगे तो बॉलिंग से। तीसरा टीम में गौर करेंगे तो अपना ऑलराउंडर एंड विकेट कीपर, यानी कि कुल मिलाकर जो चीज़ देखने को मिल रहा है वो ये है कि टीम मतलब मैच जो है ऑल ओवर में जा रहे हैं, ऑल ओवर यानी कि कभी बैटिंग में जा रहा है मतलब पूरा का पूरा बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन से बैटिंग से आया। दूसरा टीम में गौर करेंगे तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट खिलाड़ी जो ऑलराउंडर है बैट्समैन से आया एंड कैप्टन वाइस कैप्टन से बॉलिंग से आया। तीसरे की बात करेंगे, तीसरे में कैप्टन आया बैटिंग से, वाइस कैप्टन से आया ऑलराउंडर से, यानी कि ऑलमोस्ट हर तरफ में रुख मोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे, दोनों टीमों का हेड टू हेड बैटल तो है नहीं फिलहाल के लिए, अभी देख लेंगे कि टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन, और साथ में आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ऐसा नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा, इसके जरिए आप सीधा ये वाला चैनल पर आ सकते हो। नीचे जो है ज्वाइन वाला बटन में क्लिक करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर से आपको फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देख लेंगे कि इस ग्राउंड का डेप्थ एनालिसिस क्या होने वाला है। इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर 130 से लेकर 140 के आसपास दिख जाएगा, हाईएस्ट टोटल 201 रन हुआ है, लोएस्ट टोटल 104 रन हुआ है। यहाँ पर टोटल मैच 9 खेला गया है जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 3 बार जीता, बैटिंग सेकंड ने 6 बार जीता, यानी कि बैटिंग सेकंड का आंकड़ा जो है इस ग्राउंड पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। T20 स्कोर पैटर्न की बात करेंगे तो 150 से नीचे 8 बार बना, 150 से लेकर 170 के बीच में 1 बार भी नहीं, और मतलब यहाँ पर 1 बार भी नहीं बना, जो 9 मैच है 1 बार 8 बार 150 से नीचे और 1 बार 190 के ऊपर देखने को मिला है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे स्कोर कार्ड क्या होने वाला है। इस ग्राउंड का स्कोर कार्ड देखेंगे, 21 जून को मैच हुआ नेपाल एंड पाकिस्तान ओमैन के बीच में, जहां पर नेपाल ने 108 रन किया था, पाकिस्तान ये मैच चेजिंग कर लिया। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 1 स्पिनर 2, सेकंड इनिंग में पेसर ने 1 स्पिनर ने 0 विकेट। दूसरी तरफ इंडिया एंड यूएई के बीच में मैच हुआ जहां पर इंडिया ने 201 किया, जहां पर यूएई चेजिंग करता हुआ 123 रन बनाया। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 1 स्पिनर 3, सेकंड इनिंग में पेसर ने 2 स्पिनर ने 4 विकेट निकाला। दूसरी तरफ ध्यान देंगे 20 जुलाई को मैच हुआ बांग्लादेश ओमैन श्रीलंका ओमैन के बीच में, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 2 स्पिनर 5, सेकंड इनिंग में पेसर ने 0, स्पिनर ने 3 विकेट निकाला। बांग्लादेश ने 111 किया जो कि श्रीलंका चेजिंग करता हुआ ये मैच विन कर गया था। दूसरी तरफ देखेंगे 20 जुलाई को मैच हुआ थाईलैंड ओमैन एंड मालदीव्स ओमैन के बीच में, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 2 स्पिनर 4, सेकंड इनिंग में पेसर ने 2 स्पिनर ने 4, इक्वलिटी। लेकिन यहाँ पर थाईलैंड ने 133 किया था जो कि डिफेंड करता हुआ मैच विन कर लिया था और मालदीव्स चेजिंग करता हुआ ये मैच हार गया था। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो स्पिनर का रोल जो है थोड़ा ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हर एक जगह पर जो है स्पिनर का रोल जो है इस ग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पेसर।
आगे चलेंगे नेक्स्ट और थोड़ा सा डीपली देख लेंगे कि पेसर को कितना मिला, स्पिनर को कितना मिला, कौन सा पेसर को कितना मिला एंड कौन सा स्पिनर को कितना मिला है। कितना मैचों के अंदर, लास्ट 4 मैचों के अंदर पेसर ने निकाला 11 विकेट, स्पिनर ने निकाला 25 विकेट, जिसमें से स्पिनर ने लेग ब्रेक राइट हैंड लेग ब्रेक को 3, लेफ्ट आर्म चाइनामैन को 1 भी नहीं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 8 एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक को 14 विकेट मिला। यानी कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक को जो है इस ग्राउंड में सबसे ज्यादा विकेट मिला है। वहीं पर पेसर की बात करेंगे, राइट आर्म फास्ट 0, राइट आर्म फास्ट मीडियम 1, राइट आर्म मीडियम 7, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ने 3 विकेट। यहाँ पर राइट आर्म मीडियम को जो है थोड़ा ज्यादा विकेट मिला है कंपेयर टू बाकी अदर पेसर्स के अंदर। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कि दोनों ही टीमों का हेड टू हेड बैटल क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम कभी आमने सामने टकराया नहीं है, इन दोनों के बीच में एक भी मैच नहीं है। रिसेंट 5 मैचों की बात करेंगे तो यहाँ पर नेपाल जो है 5 में से 3 मैच जीता, 2 मैच हारा है, और रही बात इंडिया का तो 5 में से 3 मैच जीता है, 1 का नो रिजल्ट है और 1 का जो है हारा हुआ है। जीतने का परसेंटेज की बात करेंगे तो नेपाल का 30 होने वाला है एंड इंडिया का 70% होने वाला है। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कि अपना दोनों ही टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या साथ देखने को मिल सकता है। पहले आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाए इंडिया का तरफ से स्थिति मंदाना एंड सैफ अली वर्मा ओपन करता हो, 1 डाउन पर हेमाला था, 2 डाउन पर अपना हरमनप्रीत कौर, 3 डाउन पर यानी कि रोड्रिगस दिख जाएगा एज ए फिनिशर के रूप में, ऋचा घोष भी आपको एज ए फिनिशर के रूप में दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा दीप्ति शर्मा जो कि 4 ओवर बॉलिंग डलाएगा, साथ में बैटिंग अगर आता है, बैटिंग आएगा नहीं लेकिन फिर भी अगर बैटिंग आने का चांस ही नहीं है तो बैटिंग का रोल मत अदा करो, मतलब बॉलिंग से सही पॉइंट देकर जाएगा, 4 ओवर तो कंप्लीट करेगा। पूजा वस्त्रकर ये भी अपना 4 ओवर कंप्लीट करके जाएगा, तनुजा कनवर ये भी अपना 4 ओवर कंप्लीट करके जाएगा और राधा यादव ये भी 4 ओवर, मतलब सभी बॉलर जो है कंप्लीट करके जाएगा। रेणुका सिंह ठाकुर की बात करेंगे ये भी 4 ओवर कंप्लीट करके जाएगा, होपफुली इनमें से किसी एक आध बॉलर जो है एक ओवर कटिंग हो सकता है और वो मुझे जितना तक लग रहा है कनवर का हो सकता है, और कनवर के प्लेस पर जो है मुझे जितना तक लग रहा है हरमनप्रीत कौर एक आध ओवर डालने का चांसेस बन सकता है। आगे देखेंगे दूसरी तरफ एंड देख लेंगे अपना नेपाल की तरफ से, पहले आपको देखने को मिल जाएगा खदगा राइट हैंड बैट ओपन करता हुआ, फिर आपको देखने को मिल जाएगा सीधा राणा मगर जो है ऑन डाउन पर दिख जाएगा जो कि बॉलिंग करता हुआ भी आपको दिख जाएगा 2 ओवर तक, ठीक है। दूसरी तरफ आपको कविता कनवर की बात करेंगे, राइट हैंड मीडियम ठीक ठाक खिलाड़ी है, टीम में ले चलो, सीवीसी प्रोवाइड नहीं करो तो ही बेहतर है। और ऐसे भी अपना श्रीलंका बोल रहा हूँ नेपाल की तरफ से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर नहीं करो तो ही बेहतर है। इंदु वर्मा की बात करेंगे राइट हैंड बैट राइट हैंड मीडियम, फिर आपको देखने को मिल जाएगा छेत्री राइट हैंड बैट राइट आर्म मीडियम, पूजा मेहता की बात करेंगे राइट हैंड बैट राइट आर्म फास्ट मीडियम, फिर बिंदु रावल की बात करेंगे लेफ्ट हैंड बैट, फिर आपको देखने को मिल जाएगा काजल सिरसाता राइट हैंड बैट विकेट कीपर, इनको लेकर फायदा है। सिरसाता को जो अपना टीम में जरूर जगह बना कर देना, फायदा बहुत सारा रीजन की वजह से है क्योंकि अगर नेपाल का टीम पहले बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, विकेट तो गिरेगा ही नेपाल का, तो उसी टाइम पर आकर शायद विकेट कीपर पकड़ ले मैच को। दूसरी तरफ कविता दिख जाएगा राइट हैंड बैट राइट आर्म मीडियम, फिर आपको देखने को मिल जाएगा मार्सिनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, फिर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर से राइट आर्म ऑफ ब्रेक, यानी कि विकेट मिलने का चांसेस तो मुझे यही दो खिलाड़ी का लग रहा है, बाकी किसी का मुझे नहीं लग रहा विकेट लेकर जाने का चांसेस है क्योंकि इस ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर मिला है पेसर को और स्पिनर को, और स्पिनर इनके पास 2 ही है, तो कहीं ना कहीं जो है इसी 2 खिलाड़ी को विकेट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि नेपाल के टीम में जितना भी विकेट मिलेगा सबसे ज़्यादा यही 2 लेकर जाएगा मुझे जितना तक लग रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कि क्या होने वाला है रिसेंट परफॉर्मेंस अपना नेपाल का। पहले आपको दिख जाएगा यहाँ पर से खदगा 4, 72, 10, 74, 54 हेड टू हेड नहीं है, ग्राउंड में 2 मैच में 76 रन ठीक ठाक है, ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ प्रेफर नहीं करूँगा। दूसरी तरफ आपको देखना को जाए सीधा मगर 26-0, 7-0, 74-0, 50-7, 1 एंड 11-2 हेड टू हेड नहीं है, ग्राउंड में 2 मैच में 33-0 विकेट निकाला है, ये लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग भी डालता हुआ दिख जाएगा तो उसी वजह से कहीं ना कहीं टीम में जगह बनाकर देना अपना बनता है। दूसरी तरफ कन्वर दिख जाएगा राइट हैंड बैट राइट आर्म मीडियम 13-0, 2-0, 7-1, 50-1 एंड 10-4 विकेट हेड टू हेड नहीं है, ग्राउंड में 2 मैच में 15-7 जीरो विकेट ठीक ठाक खिलाड़ी है, ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है, टीम में जगह बनाकर दो, सीबीसी किसी भी नेपाल का खिलाड़ी को ट्राई नहीं करो तो ही बेहतर है। आगे देखने को मिल जाए दूसरा खिलाड़ी इंदु वर्मा 0-0, 6-3, 9-0, 0 विकेट 17-0 हेड टू हेड नहीं है, ग्राउंड में 2 मैच में 6 रन के साथ 3 विकेट, यानी कि ग्राउंड में ठीक ठाक प्रदर्शन है, राइट आर्म मीडियम ऐसे भी पेसर को मदद नहीं मिला है तो आप अगर चाहो तो अपना टीम से ड्रॉप करके चल सकते हो क्योंकि 0, 6, 9, 17 मतलब बैटिंग से कुछ खास रोल अदा नहीं किया है तो ड्रॉप करके चलो। वहीं पर रुबीना छेत्री की बात करेंगे
8 के साथ 0, 10 के साथ 0, 22 के साथ 1, 36 के साथ 1, 34 के साथ 2, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 2 मैच में 18 के साथ 0 विकेट निकाला है। स्कोर के मामले में फीका पड़ता हुआ देखने को नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा नीचे बैटिंग होने के कारण बैटिंग आ जाएगा, तो इसी वजह से ग्रैंड लीग वालों अपने टीम में जगह बनाकर दे सकते हो। दूसरी तरफ पूजा मेहता राइट हैंड बैट, राइट हैंड फास्ट मीडियम, 25 के साथ 0, 7, 24 के साथ 0, 14 के साथ 1, 23 के साथ 2, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 2 मैच में 32 के साथ 0 विकेट। सेम चीज़ अप्लाई होगा क्योंकि थोड़ा नीचे बैटिंग होने के कारण बैटिंग आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं बैटिंग शायद मैच को पकड़ के 20-30 रन बना दे, 20-30 यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया, 15 से लेकर 20 के बीच में स्कोर बना दे, तो शायद ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, तो उसी वजह से आप ट्राई कर सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी। पहले आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा बिंदु रावल, 0 बैटिंग नहीं है, 19 के साथ 1, 28 के साथ 1, 14 के साथ 1, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड नहीं है, 2 मैच में 0 रन का पा रही है, मुझे नहीं लग रहा लेने का कोई मतलब है, ड्रॉप करके चलो तो ही बेहतर है। वहीं पर आपको देखने को मुझे श्रेष्ठ बैटिंग नहीं है, 7, 33, 4, 0, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 2 मैच में बैटिंग नहीं किया है, थोड़ा नीचे है, विकेट कीपर है तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देने का चांसेस हो सकता है, तो टीम में जगह बना कर दो, सी विजिट ट्राई नहीं करूंगा। दूसरी तरफ कविता जोशी, 31 के साथ 1 विकेट, 1 विकेट, 67 के साथ 1, 20 के साथ 2, 5 के साथ 0, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 2 मैच में 31 के साथ 2 विकेट निकाला है, मुझे नहीं लग रहा राइट आर्म मीडियम को कुछ खास तरीके से मदद मिलेगा, जो भी मिला है ज़्यादातर स्पिनर को मिला है, तो मुझे नहीं लग रहा कविता जोशी को भी कुछ खास तरीके से मदद मिलने वाला है, तो स्पेशली ग्रैंड लीग वाला अपना टीम से ड्रॉप करके चलना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी। पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा शबनम राय, 1 विकेट 8 के साथ 0, 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 1 मैच में 1 विकेट निकाला है शबनम राय, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी राइट हम ऑफ्रेक होने के कारण शायद 1 विकेट उससे ज़्यादा 2 विकेट लेकर जाए और अपना जो है ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है, तो टीम में जगह बना कर दो। दूसरी तरफ मार्शाने की बात करेंगे, 0, 1, 1, 3, 2, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 2 मैच में 1 विकेट, ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ प्रेफर नहीं करो तो ही बेहतर है, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ऐसे भी इस ग्राउंड पर थोड़ा बहुत मदद मिला है, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं टीम में जगह बना कर दो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ में कौन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए सीता मगर, कविता एंड इंदु वर्मा, एंड डेथ में देखने को मिल जाए इंदु वर्मा, रुबीना छेत्री एंड कविता जोशी। बेंच में कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनमें से मुझे नहीं लग रहा कोई भी प्रॉबेबल प्लेइंग 11 पर आने का चांसेस है। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देख लेंगे इंडिया का रिसेंट परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। उससे पहले बताना चाहूँगा माई मास्टर 11 एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर से आप इजीली अपना लॉस कवर कर सकते हो, जहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है 100% बोनस यूजुअल कॉन्टेस्ट, लो कंपटीशन, लो एंट्री फीस साथ में आपको प्रोवाइड किया जाता है, नो जीएसटी, नो टीडीएस, उसी के साथ साथ हर एक डिपॉजिट पर एक्स्ट्रा रियल कैश भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ में और भी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप अभी माई मास्टर 11 को डाउनलोड करना चाहते हो और अगर डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करते वक्त ये वाला रेफर कोड यूज़ करते हो, SAKIL44, तो आपको जो है फैंटेसी विनर की तरफ से 200 रुपये का एक्स्ट्रा रियल कैश दिया जाएगा, जिनके साथ आप इजीली कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो देर किस बात का, जल्दी जाओ जाकर माई मास्टर 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए ओपन करता हूँ, आपको देखने को मिल जाए इंडिया की तरफ से स्थिति मंदाना एंड शेफाली वर्मा। स्थिति मंदाना 13, 45, 54, बैटिंग नहीं है, 46, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 5 मैच में 120 के साथ एवरेज 26 का। रिस्क टेकर वालों कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर कर सकते हो स्थिति मंदाना को। दूसरी तरफ शेफाली वर्मा राइट हैंड बैट, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, 37, 40, 27, बैटिंग नहीं है, 18 रन, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 5 मैच में 130 के साथ 1 विकेट निकाला। सेम चीज अप्लाई होगा शेफाली वर्मा के ऊपर भी, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, साथ में रिस्क टेकर वालों आराम से वाइस कैप्टनसी तक प्रेफर कर सकते हो। दूसरी तरफ हेमालता 2, 14, 14, 24 एंड 12, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 2 मैच में 16 रन का पारी दिया है, ठीक ठाक है, टीम में ले चलो, सी वी सी अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करूंगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी। पहले आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा हरमनप्रीत कौर, 66, 5, बैटिंग नहीं है 35, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 5 मैच में 163 के साथ 1 रन का पारी दिया, ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ प्रेफर नहीं करूँगा। दूसरी तरफ रॉड्रिगस 14, 3, बैटिंग नहीं है 53, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड भी, ऑलमोस्ट 5 मैच में 89, खास इंपॉर्टेंस नहीं होगा, अगर इंडिया का टीम पहले बैटिंग कर रहा है ले चलो, और अगर इंडिया का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है टीम में जगह बनाकर देने का कोई मतलब नहीं है। ऋचा घोष की बात करेंगे राइट हैंड बैट विकेट कीपर, 64, बैटिंग नहीं है 86 एंड 6, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 3 मैच में 75 रन का पारी दिया है, इतना नीचे बैट्समैन लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर फिर भी इंडिया का टीम पहले बैटिंग करता है उस दौरान ले चलो, और अगर इंडिया का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है उस दौरान ड्रॉप करके चलो, ठीक है। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देखेंगे दूसरे खिलाड़ी। पहले आपको दिख जाएगा यहाँ पर से दीप्ति शर्मा, 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 5 मैच में 22 रन के साथ 8 विकेट निकाला है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक होने वाला है,
प्री ब्रेक नहीं ऑफ ब्रेक, राइटर में ऑफ ब्रेक होने वाला है, कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन होने वाला है अपना दीप्ति शर्मा, चाहे पहले बैटिंग करे बॉलिंग करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप दीप्ति शर्मा को आराम से अपना एक आधे टीम में ऐसे सीवीसी प्रेफर कर सकते हो। दूसरी तरफ पूजा भस्तागर राइट हैंड बैट, राइट हैंड फास्ट मीडियम, एक विकेट दो विकेट चार विकेट दो विकेट दो विकेट, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 5 मैच 27 के साथ 5 विकेट, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ तनुजा कनवारी की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड बैट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक विकेट बैटिंग नहीं है, 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 1 मैच में 1 विकेट निकाला, ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, साथ में कुछ लोग अगर रिस्क टेकर हो आराम से कैप्टन वाइस कैप्टन से देकर चल सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा राधा यादव, 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 5 मैच में 5 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 2 विकेट पकड़ के चलो आराम से, और रिस्क टेकर वालों एक आदमी फीसी तक ट्राई कर सकते हो अपना राधा यादव को। दूसरी तरफ रेणुका सिंह ठाकुर राइट आर्म फास्ट मीडियम, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, हेड टू हेड नहीं है ग्राउंड में, 5 मैच में 5 विकेट, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, तो उस दौरान जो है आप अगर चाहो तो रेणुका सिंह ठाकुर को अपने टीम से ड्रॉप करके चल सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ में कौन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है, पूजा वस्तागर रेणुका सिंह ठाकुर दीप्ति शर्मा स्टार्टिंग में, डेथ में दिख जाएगा दीप्ति शर्मा रेणुका सिंह ठाकुर एंड राधा यादव, बेंच में कुछ खिलाड़ी होने वाला है, इनमें से मुझे नहीं लग रहा किसी भी खिलाड़ी को प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर लेकर आएगा, यहाँ पर से ऋषभ को लेकर आने का चांसेस बन सकता है, उसके अलावा लेग ब्रेक सोबाना को भी लेकर आने का चांसेस हो सकता है क्योंकि लेग ब्रेक है। ठीक है, आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देख लेंगे अपना टीम कॉम्बिनेशन कैसा दिखने वाला है, विकेट कीपर में ऋचा घोष, बैटिंग में हरमनप्रीत कौर स्थिति मंदाना शेफाली वर्मा एंड एस खदगा, बैटिंग ऑलराउंडर में रखेंगे दीप्ति शर्मा छेत्री एंड सीतारामम एंड पूजा वस्तागर, बॉलिंग में रखेंगे रेणुका सिंह ठाकुर एंड राधा यादव, फिलहाल के लिए कैप्टन स्थिति मंदाना, वाइस कैप्टनसी शेफाली वर्मा को देकर रखे, इन केस इंडिया का टीम पहले बॉलिंग करता है उस दौरान कैप्टन वाइस कैप्टनसी में मैं चेंजेस कर सकता हूँ, फिर भी फुल एंड फाइनल जो टीम कॉम्बिनेशन है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको आप अपना स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर प्रेफर कर सकते हो, साथ में कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको आप अपना टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले कैप्टन वाइस कैप्टनसी देख लेंगे दीप्ति शर्मा स्मृति मंदाना राधा यादव सीतारामन एंड उसके साथ साथ रुबीना छेत्री, ये कुछ खिलाड़ी होने वाले जिनको आप अपना टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर प्रेफर कर सकते हो। दूसरी तरफ एज ए ट्रम्प कार्ड के ऑप्शन में आपको दिख जाएगा कविता कनवर कविता जोशी एंड उसके साथ साथ तनुजा कनवर एंड उसके साथ ऋचा घोष एंड हेमलता, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनको आप अपना टीम में एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का एज ए ट्रम्प कार्ड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन का, वो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर ही दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताते हुए जाना, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर जाना ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप भी जो अपना फर्स्ट व्यूअर बन सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।